उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की किल्लत ने लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। यहां छोटे बड़े शहरों में 12-12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंचने को है। ऐसे में गर्मी से परेशान लोग बिजली कटौती के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। 45 डिग्री का टॉर्चर, उबल रहा है उत्तर प्रदेश। अखिलेश राज में अंधेरा, सड़क पर उतरे लोग। गर्मी धीरे धीरे शवा पर पहुंचने लगी है। यूपी में पारा 45 डिग्री को पार करने के लिए बेताब है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया है। ऐसे मौसम में बिजली कटौती लोगों की परेशानी और बढ़ा रही है। शहरों में 12-12 घंटे की बिजली कटौती से पूरे यूपी में हाहाकार है। बिजली कटौती से नाराज लोग सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। बिजली की किल्लत लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर रही है। सूरज की किरणें लोगों को जला रही हैं, तो घर में उमस के मारे हाल बेहाल है। ऐसे में बिजली की कटौती जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। आज भी संकट के दौर में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सरकार बताए कि इसका कारण क्या है। ये राजनीतिक कारण नहीं है। सभी लोग आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है, और इसके बारे में एक बार इनपुट्स लेकर, पूरे तथ्य लेकर हम प्रदेश की सरकार से बात करेंगे। और हमें पूरी आशा है कि प्रदेश की सरकार इसके प्रति संवेदनशील होगी। कानपुर शहर में सबसे ज्यादा बिजली कटौती हो, लोग तराहे तराहे करें इस गर्मी में, उद्योग ठप्प पड़ जाएं, दुकानें ठप्प पड़ जाएं, ये हरगिज कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए आज सड़कों पर उतरा। बिजली की भारी किल्लत के बीच प्रदेश सरकार पर संगीन आरोप कटौती को लेकर भी है। आरोप लग रहा है कि यूपी सरकार उन इलाकों में ज्यादा बिजली कटौती कर रही है जहां लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों के सांसद जीते हैं। इस आरोप का जवाब देने के लिए खुद सूबे के मुखिया अखिलेश यादव सामने आए। कहा, कटौती में राजनीति नहीं हो रही है, डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ने के कारण सूबे में बिजली की किल्लत है। जो बिजली है ये सही है कि गर्मियों में हमेशा संकट आता है, जो पूर्ति होनी चाहिए केंद्र सरकार से, मैं अभी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको आंकड़े आने चाहिए, जानकारी पूरी आपके पास पहुँचनी चाहिए, जिससे सच्चाई सामने हो। समाजवादी पार्टी ने ये संकल्प लिया है और चुनाव के दौरान भी मैंने इस बात को कहा कि 2016 से गाँव में 18 घंटे और शहरों में 22 से लेकर के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी समाजवादी पार्टी। वजह चाहे जो भी हो, यूपी के लोगों को बिजली की किल्लत से राहत मिलती नहीं दिख रही है। गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है और उतनी ही तेज रफ्तार से बिजली भी गुल होने लगी है। लोगों को गर्म आफत से राहत मिलती नहीं दिख रही है और मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी कम होगी, इसकी उम्मीद कम है। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बिजली संकट को लेकर के बीजेपी और अखिलेश सरकार अब आपने सामने आ गई है। बिजली की किल्लत को लेकर मचे हाहाकार के बीच बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर हल्ला बोल दिया है, तो बैकफुट पर आए सीएम अखिलेश यादव ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए यह भरोसा दिलाया है कि जल्द ही हालात सुधर जाएंगे।